दोस्तों यूनी ई कॉमर्स सोल्यूशन लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि डाटाबेस के लिए आप मिलियंस में दिया गया। मैं आपको क्रोस बता रहा हूँ, हाल ही में कंपनी का आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था। लगभग बोल सकते 13 अगस्त को कंपनी का आईपीओ आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था। लिस्टिंग प्राइस जो रखा गया था कंपनी की तरफ से, वो रखा गया था 108 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, मतलब इशू प्राइस जो था 108 रुपये प्रति शेयर के, 118 गुना कंपनी का आईपीओ आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला था। 230 रुपये पे शेयर का जो आईपीओ जो है आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था, डबल से भी ज़्यादा कंपनी को प्रीमियम मिला था। और अभी देखें तो 221 रुपये के आसपास आपको शेयर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। अभी भी देखें तो जो आईपीओ प्राइस था उससे डबल के प्राइस पर आपको शेयर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 26 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जॉइंट किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल देखें तो 25 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 27 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली, लगभग बोल सकते हैं 9 से 10% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 3% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल से साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 24 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल देखें तो 22 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो अभी भी कंपनी के जो खर्चे हैं लगभग 24 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे इस क्वार्टर में कंपनी के बहुत हद तक कंट्रोल किए गए, जो कि एक अच्छी बात है। उसका जो मेन रीज़न आप कह सकते कंपनी के एम्प्लॉय बेनिफिट को जाता है, क्योंकि पिछले साल देखें तो कंपनी ने एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम पर 17.5 करोड़ खर्च किए थे, जबकि अभी देखें तो मात्र 16.5 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का रेवेन्यू साल से साल बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद देखें तो कंपनी का एम्प्लॉय बेनिफिट जो है वो आपको साल से साल कम होता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है, जिसकी वजह से कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी बोल सकते हैं 2.8 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट में थी, पिछले साल देखें तो 2.6 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 3.5 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले, वहाँ भी देखें तो लगभग वही बोल सकते हैं आपकी 30 से 32% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है, लगभग बोल सकते 20 से 21% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो क्वार्टर क्वार्टर साल से साल कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 28 पैसे के आसपास था, पिछले साल 27 पैसे, अभी देखें तो बढ़ गए 35 पैसे के आसपास कंपनी का जो ईपीएस है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर अच्छे आपको देखने को मिला है, कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो उसके अंदर एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला है साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। और ऑलरेडी से देखें तो अभी भी अपने जो आईपीओ प्राइस से उसके डबल के दाम पे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। तो देखते हैं इस नंबर पे मार्केट इस नंबर के साथ कैसा रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।